नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। कोई भी नंबर है, हमें देखना है कि वो 4 के पहाड़े में आता है या नहीं बिना भाग किए। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया है 832। हमें देखना है कि यह जो नंबर है यह 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो बच्चों, इसका गोल्डन रूल है, आप ध्यान रखना हमेशा मेरी बात का, इसको ध्यान से सुनना अब जो मैं कहने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है बच्चों, यूनिट टेंस 100 आपको पता है, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये है इसका यूनिट प्लेस, ये है इसका टेंस प्लेस और ये है इसका 100 प्लेस, है ना बच्चों। तो आपने करना सिर्फ ये है बच्चों, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए यूनिट और टेंस प्लेस को कंबाइन कर लेना है, यूनिट और टेंस प्लेस को कंबाइन कर लेना है। तो यूनिट और टेंस प्लेस को कंबाइन करने से हमारे पास बन गया 32। आपने देखना क्या ये 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है। 4 के टेबल में 32, 4 एक वन द 4, 2 द 8, 3 द 12, 4 द 16, 4 5 द 20, 4 6 द 24, 4 7 द 28, 4 8 द 32। हाँ, यह 32 4 के टेबल में आता है, इसका मतलब यह है पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। यदि ये दो डिजिट्स कंबाइन करने से जो नंबर मिला वो 4 के पहाड़े में नहीं आता होता तो यह पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होता। आइए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। हम एक बड़ा नंबर लेते हैं 284724, ठीक है, 284724। हमें यह नंबर देखना है और हमें देखना है कि क्या यह है नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, यूनिट और टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, इन दोनों प्लेसेस को कंबाइन कर लो तो ये नंबर क्या बन गया, 24। इन दोनों डिजिट्स को कंबाइन किया, ये नंबर बन गया 24। हमने देखना है क्या 24 4 के पहाड़े में आता है। हाँ आता है, 4 6 24। अगर ये 24 आता है ना 4 के पहाड़े में तो ये पूरा ही नंबर 4 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया है 573, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने देखना है इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 देखना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट टू डिजिट्स यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस देखेंगे। 73 क्योंकि एक ऑड नंबर है तो ये 4 के पहाड़े में आ ही नहीं सकता। अगर ये दो डिजिट्स का नंबर 4 के पहाड़े में नहीं आता तो ये पूरा नंबर भी 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं 298754304। हमें देखना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। देखो कितना बड़ा नंबर है, हमें देख के ही डर लगेगा कि इतना बड़े नंबर को हम कैसे 4 से डिवाइड करके देखें। तो घबराना नहीं है, हमने क्या करना है 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है। और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चों क्या है, कौन कौन से प्लेसेस लेने हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस मिलाने से हमारे पास बन गया 04। 04 का मतलब क्या हुआ, 4। तो क्या 4 4 के पहाड़े में आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर 4 4 के पहाड़े में आएगा इसका मतलब ये 298754304 भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत आसान है 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपने सिर्फ यूनिट और टेंस प्लेस को जोड़कर जो नंबर बना वो देखना है कि 4 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। आशा करता हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों। धन्यवाद।